हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एपी क्रिएटिविटी चैनल। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ बेसिक सिंबल दिखाए थे, आज मैं आपको इस वीडियो में स्विचेस के बारे में सिंबल दिखाऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे इस फील्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग स्विचेस, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक स्विचेस। ये देखिए दोस्तों, सिंगल पोल स्विच का सिंबल कुछ ऐसा सा होता है और टू पोल स्विच का सिंबल कुछ ऐसा सा होता है। जैसे कि ये सिंबल्स आपको स्विचेस के लिए हैं। ये सारे सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह कैसे कैसे सिंबल ड्रॉ करेंगे और क्या क्या इसके नाम है। देखिए दोस्तों, टू पोल स्विच, सिंगल पोल, पुल स्विच, ये सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस फील्ड में। जैसा कि आपको ये सिंबल्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, बहुत ईजी हैं बनाने में। देखिए दोस्तों, कुछ थ्री पोल स्विच के सिंबल ऐसा सा होता है और मल्टी पोजिशन से स्विच का सिंबल कुछ ऐसा सा होता है। टू वे स्विच इस तरह का होता है दोस्तों। ये बहुत इजी है, आप इस सिंबल के थ्रू आप हर ड्राइंग बना सकते हो इन सिंबल के थ्रू, याद करके या लर्न करके, ड्रॉ करके या ड्राइंग करके। इंटरमीडिएट स्विच कुछ ऐसा सा दिखता है और ऐसा सा इसका सिंबल होता है दोस्तों। आगे को मैं दिखाता हूँ आपको कुछ कैसे से सिंबल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीरियड लिमिटिंग स्विच का साइन ऐसा होता है, टाइम स्विच ऐसा होता है। ये बहुत इजी है, आपको बहुत हेल्प करेंगे इस फील्ड में, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आप कुछ बना नहीं पाएंगे। पेंडेंट स्विच का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये बहुत इजी है दोस्तों। बस दो तीन कुछ सिंबल मैं आपको और दिखा देता हूँ, बस उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है फिर। ये देखिए दोस्तों, पुश बटन और बेल स्विच का सिंबल ऐसा होता है, ल्यूमिनस पुश बटन ऐसा होता है। और एक और हम देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एसएस पुश बटन। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पुश बटन का सिंबल ऐसा। तो इसी सिंबल के साथ हमारा ये स्विच टॉपिक ख़त्म होता है। बस इसमें इतने ही सिंबल थे जो आपको हेल्प करेंगे इस फील्ड में। और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।